मुंबई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये मामला है मलाड के क्रांति नगर का। यहाँ एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। हालांकि युवक की गर्लफ्रेंड पहले से शादीशुदा थी, लेकिन पिछले 3 साल से उसी के साथ रह रही थी। इसी बीच एक दिन अचानक महिला का पति उससे मिलने आ धमका। ये बात जैसे ही प्रेमी को पता चली तो उसने महिला को चाकू से गोद दिया। इसके बाद आरोपी प्रेमी ने खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में महिला की मौत हो चुकी है, वहीं आरोपी युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक की हालत गंभीर है। मुंबई में 3 साल पहले मीनाबाई अपने पति काशीनाथ गिरी, जिसकी उम्र 43 वर्ष है, उसके साथ रहने आई थी। मीनाबाई के रिश्ते पति काशीनाथ के साथ कुछ अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी दौरान मीनाबाई की मुलाकात 35 साल के बाबूराव मोरे से हुई। दोनों के बीच पहले बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दोस्ती हो गई। देखते ही देखते दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मीनाबाई प्यार में अपना घर छोड़ने तक को तैयार हो गई, जिसके बाद बाबूराव के कहने पर मीनाबाई ने अपने पति का घर तक छोड़ दिया। मीनाबाई और बाबूराव मलाड के क्रांति नगर में आकर रहने लगे। मीनाबाई घर पर रहती थी और बाबूराव अपने काम पर जाता था। आपको बता दे, बाबूराव मुंबई में रिक्शा चलाता था। वहीं मीनाबाई के पहले पति काशीनाथ भी 3 साल से अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते उसे हाल ही में मीनाबाई का एड्रेस मिल गया था। काशीनाथ को जैसे ही मीनाबाई के पति के बारे में पता चला, वो उसके घर क्रांति नगर जा पहुंचा। इस दौरान बाबूराव रोजाना की तरह रिक्शा चलाने गया, लेकिन बाबूराव किसी काम से घर वापस आया तो उसने देखा कि मीनाबाई अपने पहले पति काशीनाथ के साथ है। बाबूराव से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबूराव ने चाकू उठाया और मीनाबाई पर कई बार वार कर दिया। इसी दौरान बाबूराव ने उसी चाकू से खुद पर भी वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई और दोनों को शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मीनाबाई की मौत हो चुकी है, जबकि बाबूराव की स्थिति गंभीर है। पुलिस की देखरेख में बाबूराव का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।